तो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका 90s आर्मी में। क्या हाल चाल आप सभी को, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो इन्वेंट्री के ऊपर होने वाली है और आज की वीडियो में अपनी पूरी इन्वेंट्री दिखाऊंगा कि कितना इन्वेस्ट किया है, वो भी एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, ठीक है। और मेनली मैंने गन स्किन्स के ऊपर ज़्यादा स्पेंड किया है, चाहे वो लक्की स्पिन में आई हो, क्रेट वगैरह में आई हो, WP में आई हो, ठीक है। तो स्किन्स मेरे पास ज़्यादा, आउटफिट थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी जो मैं मानता हूँ कि हाँ भाई इतनी तो इन्वेंट्री है अपनी, ठीक है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस इन्वेंट्री को अपनी, ठीक है। तो वीडियो पूरा एंड तक देख लेना। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो कि मतलब एक महीने, मतलब मई के महीने में मैंने 18,000 के लगभग कोडा शॉप से पेमेंट किए हैं, ठीक है। जो अपनी जैसे जहाँ से वेबसाइट से हम BC वगैरह परचेज करते हैं, तो इसमें मेरी सारी क्रेट ओपनिंग वगैरह भी आ गई, ठीक है। और जितने मैंने गिव अवे किए हैं ज़्यादातर मई के महीने में, ठीक है, गिव अवे वगैरह किए हैं, और जितने भी और बंदों को मैंने WP वगैरह सबको दिए हैं, तो वो टोटली सारे इसमें आ गए हैं, ठीक है। तो इतना मैंने स्पेंड किया है। तो अब मेनली अपनी इन्वेंट्री देख लेते हैं, जो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, हम इस चैनल पर ऐसा नहीं है कि अपडेट अपडेट ही वीडियो डालते रहते हैं, 0.18.0.0.19.0 डाउनलोड लिंक, इतने MB डाउनलोड लिंक, जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको क्रेट ओपनिंग की वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स, मिथ वगैरह सभी टाइप की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। जरूरी नहीं है, हम अपडेट पर ही चलते हैं। तो मेनली मेरा कहने का मतलब ये है कि क्रेट ओपनिंग वगैरह भी हम करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी करके भाई इन्वेंट्री अपनी थोड़ी सी तगड़ी मैं मानता हूँ, ठीक है। स्किन्स के मामले में काफ़ी सारी स्किन है, लगभग सभी स्किन्स हैं मेरे पास। तो AKM की आप सिंपली से देख सकते हो ये स्किन, ठीक है, जो कि अभी थोड़े दिन पहले आई थी, सिल्वर बुलेट AKM, ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले आई थी। क्रेट ओपनिंग वीडियो नहीं डाली, लेकिन हाँ की थी मैंने ओपनिंग, ठीक है। सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम पर क्लिप वगैरह डाल दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली से गोल्डन AKM भी थी, ये भी AKM बहुत ही अच्छी है। इसके बाद ये AKM शायद WP में आई थी, ठीक है। तो AKM की स्किन तो मेरे पास बहुत बहुत है, ब्लड डेथ AKM काफ़ी अच्छी है, ठीक है। मतलब लगभग सारी स्किन्स हैं AKM की, तो सारी है, रॉकस्टार AKM जितनी भी है, मतलब टोटली स्किन्स हैं AKM की, ठीक है। तो ये तो हमारे अपने पास है। अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो अपनी M16, ठीक है, AKM के बाद M16 पर आ जाते हैं। और एक कमेंट करके बताना आपकी सबसे फेवरेट गन कौन सी है, ठीक है, कमेंट जरूर करना। तो M16 तो मेरे पास एक ही है, एक ही स्किन M16 की तो मेरे पास, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्कारल पे, स्कारल की भी काफ़ी ज़्यादा स्किन्स हैं, जो कि कुछ विनर पास में आई है, कुछ लक्की स्पिन में भी आई हैं। तो ये विनर पास में आई थी, ठीक है। उसके बाद ये स्किन है, ये भी काफ़ी अच्छी स्किन है, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी है, ऐसी ही सोनामी कुछ करके SKS की भी स्किन है, एक ये है भाई, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी। उसके बाद M4 की स्किन, M4 की भी मेरे पास बहुत सारी स्किन्स हैं भाई। सबसे फेवरेट है मेरी डार्क कॉमेडी, जो इसके बाद है, ठीक है, ये स्किन है काफ़ी अच्छी है, हेलोविन वाली, और ये है भाई, ये सबसे फेवरेट स्किन है मेरी M416 की, ठीक है। इसके बाद है अपनी ये डेजर्ट कैमो, जो कि बिल्कुल फ्री में मिली थी मेरे को। कैसे मिलेगी आप सभी को भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ओग की स्किन, जो कि फर्स्ट परचेज में आई थी आई थिंक, ठीक है। उसके बाद QBZ की स्किन, ये मेरे को पता नहीं कब आई थी, ठीक है। उसके बाद एक है अपने पास M762 की स्किन, यूज़ तो नहीं होती M762 इतनी खास इस लाइट में, लेकिन स्किन अपने पास है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर Kar98 बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल की स्किन, AKM की दो है मेरे, सॉरी Kar98 की दो है मेरे पास, ठीक है, ब्लड डेथ और एक और। तो यहाँ पर आप देख सकते हो M24 की स्किन, M24 जो क्रेट में आई थी वो मैंने नहीं की भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ओम की स्किन आप देख सकते हो, ये अभी थोड़े दिन पहले आई थी, मतलब आज कल ही आई थी शायद, कल परसों, ठीक है। तो ये थी स्नाइपर वगैरह हो गई। अब यहाँ पर बोल्ट एक्शन देख लेते हैं, राइफल देख ले, स्नाइपर राइफल। SKS की दो स्किन्स हैं, दोनों ही अच्छी हैं, एक और इन्होंने दोबारा दे दी थी, ठीक है। अब उसके बाद मिनी की स्किन देख लेते हैं, ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल, यहाँ पर आप देख सकते हो दो स्किन है मेरे पास, दोनों ही अच्छी हैं। उसके बाद और कोई नहीं बचा। अब यहाँ पर देख लेते हैं SMG की स्किन, SMG की जो मेरे पास UGI की स्किन है, ये UZI की स्किन, ये मैंने अपग्रेड कर रखी है, Level 2 तक है, ठीक है, Level 3 तक मैं इसको कर सकता हूँ, मेरे पास मटेरियल वगैरह पड़े हुए हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, थोड़े ही चाहिए, ठीक है। तो UGI की स्किन है, उसके पास एक और है भाई ब्लड डेजर्ट कैमो, ठीक है, डेजर्ट कैमो आपको पता है फ्री में मिली थी। ये UMP की स्किन है मेरे पास, ये UMP भी मेरे पास अपग्रेडेबल है, किल इफेक्ट है इसका और बेसिक है, मतलब Level 7 तक है भाई ये, अभी मैंने 2 तक ही अपग्रेड की हुई है। और ये इसका एक रिजल्ट इमोट भी देखने को आपको मिलता है, ये रिजल्ट इमोट भी देखने को आपको मिलता है अगर आप इसको Level 7 तक अपग्रेड करते हो, ठीक है। इसके बाद कौन सी स्किन है, इसके बाद थॉमसन की स्किन है, ठीक है, जो कि आपको सीजन रिवॉर्ड में मिली थी,
चलो ये तो स्किन हो गई, आप देख सकते हो शॉटगन की स्किन, उसके बाद M249 की स्किन भी है, ठीक है। इसके बाद और कौन सी स्किन है देख लेते हैं, उसके बाद पैन की स्किन मेरे पास काफ़ी हैं, काफ़ी पैन की स्किन भी मिल जाएंगी, बहुत सारी हैं जो कि लगभग अपनी WP में ही आई हैं, ठीक है, WP वगैरह में ही आई हैं, तो देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा मेरे पास पैन की स्किन भी हैं, ठीक है। तो एक लाइक जरूर कर देना भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जितने भी बंदे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर है UAZ की स्किन, ठीक है, UAZ की भी काफ़ी ज़्यादा स्किन्स हैं मेरे पास, भारी मात्रा में, तीन है, ज़्यादा नहीं है, तीन है। इसके बाद यहाँ पर डासिया की स्किन आप देख सकते हो, ये तबाही स्किन है जो कि अब की बार आई है, ठीक है। मोटरसाइकिल की स्किन आप देख सकते हो, मतलब काफ़ी सारी, सभी चीज़ें बढ़िया हैं भाई। उसके बाद मेरे पास इमोट हैं, काफ़ी सारे हैं, जितने लगभग इमोट तो सभी हैं भाई, सभी टोटली इमोट है, जितने आज तक आए हैं टोटली इमोट है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद प्लेन की स्किन आप देख सकते हो, प्लेन की स्किन भी काफ़ी हैं। उसके बाद पैराशूट की स्किन आप देख सकते हो, तबाही वाली है भाई, पैराशूट भी सभी हैं लगभग मेरे पास, आज तक जितने आए हैं सभी हैं, मतलब याद नहीं मेरे को, एक दो ही बीच में बच रहा होगा, वरना मेरे पास सभी हैं टोटली। ये दोनों लोग किस पिन में आए थे, पिंक वाले, दोनों ही हैं मेरे पास, ठीक है। उसके बाद ये पैराशूट सीजन 6 का, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैराशूट की स्किन भी अपने पास मिल जाएंगी, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या मिलेगा देखने को, और बैग वगैरह की स्किन भी आपको दिखा देंगे। उसके बाद इन्वेंट्री में मतलब ये पड़ा हुआ है मेरे पास अभी, मटेरियल वगैरह अभी कुछ है जो कि अगले फिट मतलब फ्यूचर में काम आएंगे, ठीक है। आउटफिट मेरे को ये पसंद है सबसे ज़्यादा, अब आउटफिट पर आ जाते हैं। उसके बाद ये आउटफिट वैम्पायर सेट, उसके बाद ये एक सेट है, ठीक है, ये टू पीस सेट समर कुछ करके, भाई ये तो बेकार था। ये बियर वाला एंग्री टेडी सेट, ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब लगभग आपको सभी आउटफिट मिल जाएंगे। ये भी मेरा फेवरेट है सेट, और ये भी काफ़ी अच्छा सेट है प्रिंसेस वाला। ये भाई चिकन सेट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ये डार्क जो भी सेट था, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा सेट है भाई। लगभग इनमें से काफ़ी ज़्यादा WP में आए हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा स्पिन वगैरह में आए हैं, स्पिन में आए थे वो भी मैंने लिए थे, ठीक है। तो ये सेट आई थिंक हाँ मेरे पास है ऑलरेडी, ये तो इसलिए नहीं आ रहा यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी अच्छा सेट है। और कौन से हैं भाई, और ये है भाई, सारे लगभग भाई काफ़ी OP सेट हैं, तो इनमें से कौन सा आपको अच्छा लगा ये भी आप कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने बताना आपको गन स्किन कौन सी, गन कौन सी अच्छी लगती है, जैसे मेरी फेवरेट AKM है, ठीक है। तो लगभग सभी मेरे पास, आउटफिट कम है मेरे पास, आउटफिट कम है, लेकिन गन स्किन भाई बहुत ज़्यादा है, मतलब गन स्किन लगभग सारी हैं। और ये अपना लक्की स्पिन में आया था, ये भी ब्लू डेयरडेविल सेट, काफ़ी अच्छा सेट है। उसके बाद ये रैबिट वाला भी आया, ये अपना तब आया था जब BC परचेज हम करते हैं, ठीक है, इवेंट के सेक्शन में परमानेंट मिल गया था उस टाइम, ठीक है। ये स्पिन में आया था, लक्की स्पिन में आया था, एक्सट्रीम रेसिंग सेट, ठीक है। ये शायद ये फर्स्ट परचेज में आया था, ये भी शायद फर्स्ट परचेज में आया होगा, ठीक है। ये रिडम के सेक्शन से मैंने लिया था, ये भी मैंने परचेज के सेक्शन से लिया था शायद, और ये अपना लक्की स्पिन में आया था, ये विनर पास में आया था, ठीक है। उसके बाद एक सेट टाइम में मैं दिखाऊंगा आपको, सबसे ज़्यादा BC मेरे उसी में लगे हैं, सबसे ज़्यादा BC उसी पे लगे हैं मेरे। एक ये सेट है भाई, चूँकि इतना ख़ास नहीं है, ये मैंने वही है भाई, मतलब रिडम के सेक्शन से लिया था, ये सेट भी काफ़ी अच्छा है, और वो सेट देखना भाई आप, काफ़ी ज़्यादा BC मेरे लगे हैं उस पर, ठीक है। तो उसके बाद ये सेट मेरा आइस कोल्ड सेट सबसे फेवरेट है, रेड हॉट सेट ये भी सबसे फेवरेट है, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं नीचे की तरफ, ये भी काफ़ी अच्छा सेट है भाई, देखने लायक सेट है भाई सभी, ठीक है। ये अपना आया था विनर पास में, ये भी विनर पास में आया था अभी के, ठीक है। और एक ये देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा सेट है, ये भी लक्की स्पिन में आया था, ये याद नहीं, ये भी अपना लक्की स्पिन में आया था, ये अपना हेलोवन अपडेट में आया था। और रुको मैं दिखाता हूँ आपको, ये सबसे एक्सपेंसिव सेट है मेरा, क्योंकि इस पर मैंने लगभग 6000 के करीब BC लगा दिए थे जब ये सेट आया था। मेरी मतलब लेने की इच्छा थी, जो अपना था ग्रेट इंडियन वॉरियर, जो बाहुबली सेट बोलते हैं जिसको, लेने की तो वो इच्छा थी, लेकिन वो मिला ही नहीं। लगभग 6000 के करीब BC मैंने इसी पे उड़ाए थे, तो वहीं ज़्यादा लगे थे मेरे सबसे ज़्यादा BC, तो इसीलिए मेरी परचेजिंग है जो मई के महीने में ज़्यादा है, ठीक है। और वो परचेज़ मेरी मतलब ये नहीं है कि मैंने विनर पास लिए और ये वगैरह मैक्स करने में भी लगाए थे, बाकी मैंने जितने और लोगों को भी दिए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने वैसे भी विनर पास, मतलब जितने गिवअवे वगैरह किए हैं टोटली इंस्टाग्राम पर भी, तो सभी उस महीने में लगभग ज़्यादा किए हैं, तो इसलिए मेरी परचेजिंग उस महीने की लगभग 18000 है भाई उस महीने की, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन्वेस्ट तो भाई काफ़ी ज़्यादा किया है मैंने इस मतलब इन्वेंट्री पर अपनी, तो ये इसे आप देख लो। बाकी मुखौटे देख लो आप कितने मेरे पास मुखौटे,
चिकन सेट के हैं, ये फाइटिंग बुल वाला है, ठीक है, ये मम्मी सेट वाला है शायद, और मतलब कई सेट तो मेरे पास सेट नहीं है लेकिन उनके मुखौटे हैं। जैसे ये एक झुमका है मेरे पास, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वही मिला था आई थिंक मेरे को, वही मिला था जब मैंने कोशिश की थी द ग्रेट इंडियन वॉरियर सेट लेने की, उस टाइम मिला था। तो ये सारी हैट वगैरह भी कुछ लकी स्पिन में आई हैं, कुछ क्रेट वगैरह में सेट के साथ हैं, मतलब कुछ पूरा सेट के साथ हैं और कुछ क्रेट वगैरह में आई, ठीक है। तो ये टोपी देख लीजिए आप कितनी अच्छी है, ये अपना गरीबों का गोडजिला, और ये है वो भाई जो झुमका, सॉरी बिंदी, जो मेरे को सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी थी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महंगी मेरे को यही पड़ी थी। और इमोट के सेक्शन में आप देखोगे इमोट तो ऑलरेडी टोटली है मेरे पास। तो ये थी गाइज एक वीडियो जिसमें मैंने अपनी इन्वेंट्री आपको दिखाई है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना भाई, और चैनल पर अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और भाई मैं सीजन थ्री से खेल रहा हूँ, और सीजन थ्री से इसके जो WP है, मतलब सही हिसाब से सीजन थ्री के बाद ही आना स्टार्ट हुए थे, प्रॉपरली लॉन्च उसी टाइम हुआ था ये गेम, वैसे VPN वगैरह लगा के पहले भी इसको हम खेल सकते थे, ठीक है। तो बाकी सीजन थ्री से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस गेम के ऊपर, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मैंने रेट ओपनिंग वगैरह की है, तो उनको भी आप सिंपली देख सकते हो, चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे, वंदे मातरम।